नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। तिघरा प्रखंड मुख्यालय अवस्थित FCI गोदाम के सामने शिशु रोग विशेषज्ञ प्रभात कुमार के निजी चिकित्सालय में सोमवार को प्राइवेट टीकाकरण केंद्र का विधिवत उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविन्द्र मोहन प्रसाद, अपर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल एवं सिद्ध गौतम फाउंडेशन की निर्देशिका पूर्णिमा शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार ने कहा कि स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में यह बेहतर पहल है, जिससे व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक विकास तो होती ही है, साथ ही शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और बीमारियों के वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डॉक्टर रविन्द्र मोहन प्रसाद ने कहा कि किसी भी गंभीर रोगों से बचाव के लिए टीका एक सुरक्षा चक्र के समान है, जिससे न केवल प्रतिरक्षक प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है बल्कि संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षा के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करता है। डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि इस टीकाकरण केंद्र पर सरकारी टीके के अलावे कई गंभीर बीमारियों से बचाव का टीका उचित मूल्य पर लगाया जाएगा। उन्होंने उपस्थित मुख्य अतिथियों एवं पत्रकारों को शॉल और माला तथा बुके से सम्मानित करते हुए लोगों से अनुरोध किया कि इस केंद्र पर नवजात शिशु, बड़े शिशु, किशोर, युवा, वृद्ध एवं महिलाओं से संबंधित सभी बीमारियों से बचाव का टीका उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें चमकी बुखार, चिकन पॉक्स, चेचक का टीका, फ्लू, निमोनिया से बचाने का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, पीलिया हेपेटाइटिस ए का टीका, दिमागी बुखार का टीका, बच्चेदानी के कैंसर से बचाव का टीका के अलावे बच्चों के तरह सभी तरह के जानलेवा बीमारियों से बचाव एवं गर्भवती महिलाओं के लिए भी टीका विशेषज्ञ चिकित्सक की उपस्थिति में दिया जाएगा। अपर अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल ने डॉक्टर प्रभात कुमार के इस शुरुआत की प्रशंसा की। वहीं पूर्णिमा शर्मा ने कहा कि वास्तव में टीकाकरण न केवल बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखता है। मौके पर शिक्षाविद ब्रह्मदेव पासवान के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। ले देना है जी। आओ जी।